हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर डायट 220 एंड दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ एसी सर्किट। तो आज हम बनाएंगे फिर से डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। तो पहले लेक्चर में कुछ बेसिक पार्ट हुआ था, वहां पे देखो क्या हुआ था कि जो एसी सर्किट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद डीसी था उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। डीसी में क्या होता है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज होता है, और एसी में वो ऐसे फ्लक्चुएशन होता है, मतलब अल्टरनेटिव सर्किट की तरफ होता है, ओके। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट जो वैरी करता है ऐसे साइनसोइडल वेव की तरह, ओके। उसके बाद डीसी वेव होता क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा तुमको ये, ओके, एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा, उसको बोलेंगे पर डीसी, ठीक है। उसके बाद जनरेटर तुमको सिंबल पूछेगा, तो सिंबल में क्या करना, ऐसे लिख लेना, ये होता है डीसी का सिंबल। उसके बाद अगर एसी का पूछा है तो ऐसे इसमें एक साइनसोइडल का सिंबल आ जाएगा, ये होगा एसी का और ये हो गया डीसी का, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन डिफरेंट टाइप का एसी सर्किट, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट पढ़ेंगे। तो देखो पहले सर्किट में क्या बोला, एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ओके, एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तुम्हारा जो हेडिंग है किताब का उसमें अलग दिया है, एसी वोल्टेज अप्लाई टू द रजिस्टर, ओके, एसी वोल्टेज अप्लाई टू द रजिस्टर। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब इस टाइप का भी हेडिंग पूछ लेना है, या फिर वो तुम्हारे किताब में है उस टाइप का भी हेडिंग वहां पे पूछना है, ठीक है। तो ये था एसी सर्किट रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी एसी सर्किट में अपन रजिस्टर्स लगाएंगे, ओके, एसी सर्किट में अगर रजिस्टर्स लगाएंगे तो हो जाएगा प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ओके। एसी सर्किट में क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो एसी सर्किट ऐसे निकालते अपन, एसी सर्किट मतलब इसका ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज ये हो जाएगा, ओके। और डीसी में क्या किया था, बस इस टाइप का बनाया था, ओके। तो यहाँ पे अगर रजिस्टर्स लगाएंगे ये डीसी रजिस्टिव हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या करना है अपने को, एसी का पढ़ना है तो अपन यहाँ पे ये रख लेंगे, ओके। इसका इनपुट वोल्टेज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, जो इक्वेशन होता है वो होता है ये, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, ओके, ये पीक वैल्यू होती है। उसके बाद ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। उसके बाद टी मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, इस टाइप का होता है वो, ओके। सो ये होता है साइनसोइडल वेव। उसके बाद देखो यहाँ पे प्योरली क्या बोला उसने, रजिस्टिव। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा देता हूँ इस टाइप से, ओके। सपोज ये डीसी का है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे रजिस्टेंस, ओके। फिर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होता है, ओके। और जनरली एसी में क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर तुम ऐसे बोल सकते हो ना कि मतलब यहाँ से प्लस में जाएगा फिर वापिस ऐसे आएगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है, वो फ्लक्चुएशन होता रहता है, ओके, फ्लक्चुएशन होता रहता है, मतलब अल्टरनेटिव ऐसे साइकिल चलती रहेगी, देखो ऐसा ऐसे इस टाइप का वो चलता जाएगा। और वहां पे डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, और कांस्टेंट वोल्टेज होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली तुमको वोल्टेज मिल जाएगा, ओके। जैसे ओम्स का फार्मूला होता है ना, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ओके, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके। तो जो जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे वहां पे उतना करंट वहां से फ्लो हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे उस टाइप का नहीं होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये क्या है, रजिस्टर लगाया मैंने, ओके, इसके सीरीज में, तो ये बनेगा एसी प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्म आते हैं, ओके, वो डिस्कस कर लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ओम्स लॉ, ओके, जैसे डीसी सर्किट में अप्लाई किया था, क्या था, ये था ईवी इक्वल टू आई आर, ओके। तो यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो ए है ई इक्वल टू आई आर, ओके, यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। सो यहाँ पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सो करंट क्या बनेगा, E डिवाइडेड बाय R इक्वल टू I, ओके, ये उसका करंट का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है, ये उसका करंट का वैल्यू बन जाएगा। उसके बाद E की वैल्यू देखो यहाँ पे E की वैल्यू क्या दिया, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो वही वैल्यू मैं वहां पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R इक्वल टू I, तो इतना करंट वहां से फ्लो हो जाएगा, ओके, इतना करंट वहां से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर करंट का जो इक्वेशन पढ़ा था अपने, करंट का इक्वेशन क्या था, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, इतना ये इक्वेशन था। तो दोनों इक्वेशन को देखो यहाँ पे E नॉट बाय R, E नॉट बाय R इसको बोलेंगे अपन पीक वैल्यू, ओके, E नॉट बाय R, जैसे यहाँ पे E नॉट क्या है, यहाँ पे पीक वैल्यू है। उसके बाद E नॉट बाय R, R है, ओके, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, सिंपल E लिख सकते हैं, ओके, सिंपल E लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे हाँ इक्वेशन क्या बनेगा, सॉरी, ये E नॉट बाय I होता है करंट का डायरेक्शन, ओके, इनिशियल करंट I नॉट साइन ओमेगा T इक्वल टू I, ओके। तो दोनों इक्वेशन मतलब लगभग लगभग सेम ही आ रहे हैं, ओके, दोनों इक्वेशन लगभग लगभग
सेम ईयर, मतलब करंट और ये जो रिलेशन है दोनों का सेम टू सेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो जैसे अपन ने पहले में स्टार्टिंग में क्या किया था, ये इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एफ लिखा था। ओके, तो दोनों इक्वेशन तुम कंपेयर करोगे, ओके दोनों इक्वेशन में देखो कंपेयर करोगे तो इसका जो फेज है वो सेम आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो फेज है वो वहां पे सेम आ रहा है, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, फेजर डायग्राम निकाल सकते हो। ओके, फेजर डायग्राम, ठीक है, तो फेजर डायग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे इस टाइप का एक फेजर डायग्राम निकाला था, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन फेजर डायग्राम। ठीक है, तो दोनों का फेज क्या है यहाँ पे, सेम है। ओके, दोनों का फेज क्या है यहाँ पे, सेम टू सेम है। ठीक है, तो देखो मैं एक जैसे साइनोसाइडल का भी, ठीक है, ये जो साइनोसाइडल वेव है इसका इक्वेशन क्या था, इसी टाइप का वो ग्राफ आया था। ओके, इस टाइप का एक वेव दिखा था। ओके, उसके बाद अगर मैं करंट के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फेज तो सेम ही है, ठीक है, फेज सेम है, तो बस मैं एक छोटा सा इसे इसको ऐसे दिखता हूँ, ऐसे निकाल देता हूँ। ठीक है, तो निकालने के बाद देखो यहाँ पे फेज तो एक का सेम है, उसके बाद यहाँ पे मीटिंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी फेज सेम है, तो यहाँ पे ये इस टाइप का आ जाएगा। फेज तो सेम दिया है यहाँ पे, ठीक है, फेज जीरो बोल सकते हो उसको, या फिर फेज सेम बोल सकते हो, या फिर कॉन्स्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, आई और ई की। ओके, ये ऊपर वाली किसका है, ई। ओके, ये ई नॉट बोल सकते हैं, और ये था आई नॉट। ओके, तो ई नॉट एंड आई नॉट क्या है यहाँ पे, फेज में। ठीक है, तो दे आर इन अ फेज, ऐसा तुमको अगर प्रूफ करने को बोल सकता है कि मतलब जो एसी प्योरली एसी रेजिस्टिव सर्किट है वो क्या है यहाँ पे, आर इन फेज। ओके, सो उसका अगर तुमको डायग्राम निकालना है तो क्या कर सकते हो, यहां से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ई नॉट। ओके, और यहां पे भी फिर से ई नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और यहां पे क्या बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, उसके बाद क्या है, दोनों फेज में ही है। ओके, दोनों के दोनों यहाँ पे फेज में है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसे इस टाइप का एक ग्राफ निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट, और यहाँ पे ई नॉट। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आई नॉट साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी। ओके, इतना बन जाएगा। सो ये था प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ओके, प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ये था उसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम है उसका रिप्रेजेंटेशन। अगर क्वेश्चन आता है तो तुमको इतना मेंशन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर क्या क्या लिखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां चले जाना, वहां पे एक लिंक दिया है, लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी यहाँ पे एसी थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके, इंडक्टर का डायग्राम कैसे होता है, देखो यहाँ पे इस टाइप में, इधर देखो यहाँ पे जैसे डायग्राम दिख रहे हो अपने को। ओके, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है इसी को ही बोलेंगे अपन इंडक्टर। ओके, इंडक्टर या फिर इंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले है, एसी थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके, एसी थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंडक्टर लगाना पड़ेगा एसी में। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एसी का एक डायग्राम निकालूंगा मैं इस टाइप से, एक एसी सोर्स लूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसके पैरेलल में क्या लगाऊंगा मैं, सॉरी सीरीज में। ओके, सीरीज में इसमें इंडक्टर लगाऊंगा इस टाइप से। ओके, इंडक्टर और डीसी, जैसे यहाँ पे देखो डीसी का भी डिस्कस कर सकते हैं पर। ओके, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम हो गया। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है वहां पे अगर तुम सोचोगे, ओके सोचोगे या फिर वो चैप्टर देखोगे ना, फिर इसके बाद अभी अपन क्लास में भी लेंगे उसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता क्या है कि ये प्लस और निगेटिव, यहाँ पे क्या है, डीसी सर्किट है। ओके, और जब भी डीसी सर्किट का काम आ जाएगा तो यहाँ पे होता है सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट। ओके, तो तुम दोगे यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हो उसको, इंडक्टेंस। ओके, ये वाला कंसेप्ट वहां पे डेवलप हो जाता है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसका जो फार्मूला होता है, ओके फार्मूला होता है ई इक्वल टू एल माइनस एल डी आई बाय डी टी। ओके, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है। बस आपको इतना याद रखो, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे तुमको सारा का सारा स्केल समझ में आ जाएगा, मतलब उसमें होता क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे इतना इंड्यूस हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे तुमने ई दिया, ई देने के बाद यहाँ पे चला जाएगा। ओके, जनरली यहाँ पे क्या होता है, ई दोगे उसके बाद यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इंड्यूस फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, और फील्ड क्रिएट करने के बाद ये फिर वापिस देगा। ओके, ये फिर वापिस देगा ई नॉट। तो तुमने दिया था क्या, कितना ई दिया था,
और वापस कितना मिला E नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे KCL अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो KVL अप्लाई करके देखते हैं अपन। ओके, तो KVL अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, E प्लस और जो उसको बैक मिला था, मतलब जो बाहर मिल रहा था, तो ई बैक लिखते उसको, ई बैक इक्वल टू जीरो, मतलब जितना दिया था उतना, मतलब उसके कुछ परसेंट वापस आएगा यहाँ पे। ओके, कुछ परसेंट यहाँ पे अब वापस आएगा, इसलिए क्या लिखा मैंने ई प्लस ई बैक इक्वल टू जीरो। ओके, उसके बाद यहाँ पे बैक कितना मिल रहा है, मतलब निगेटिव साइन लग रहा है ना, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ई माइनस क्या बनेगा, यहाँ पे एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू जीरो इतना बनेगा। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब देखो यहाँ पे निगेटिव साइन है, इसको मैं एक साइड लिख देता हूँ। ठीक है, सो E इक्वल टू क्या बनेगा, एल डी आई बाय डी टी इतना बनेगा। ओके, E इक्वल टू डी आई बाय डी टी इतना बनेगा। ओके, उसके बाद देखो I का वैल्यू लिखा था मैंने, I इक्वल टू क्या था, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पुट कर रहे थे अपन, डी ऑफ डी टी I नॉट साइन ओमेगा टी इतना लिखा था। ओके, फिर इसको क्या कर सकते हैं अपन, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, और डिफरेंशिएट करने के बाद उनको ये मिल जाएगा, एल I नॉट कितना, कॉस ओमेगा टी। ओके, कॉस ओमेगा टी इतना बनेगा, और मल्टीप्लीकेशन और भी है ना, ये चेन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू इतनी मिल रही है अपने को, ई की वैल्यू इतनी मिल रही है, ओमेगा एल आई नॉट, देखो इसको फिर सिंप्लीफिकेशन कर सकते इसमें, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये बनेगी ई की वैल्यू यहाँ पे। ओके, इतनी वैल्यू यहाँ पे बनेगी। ओके, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, अगर मैंने कॉस का लिया, कॉस वेव, ओके, यहाँ पे क्या है, साइनोसॉइडल वेव लिया, अगर मैंने कॉस का वेव लिया, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे जो ये वाला टर्म, ओके, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ई नॉट। ओके, ये जो टर्म पूरा का पूरा है ना, ये वाला ओमेगा एल आई नॉट, ये होता है ई नॉट के बराबर, तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, ई इक्वल, तो देखो यहां तक आ गए थे हम। ओके, यहां तक आ जाने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो कॉस ओमेगा टी को क्या देख सकता हूं मैं, कॉस ओमेगा टी को ई इक्वल टू ई नॉट क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई बाय टू का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, और पाई बाय टू का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, लैग बिहाइंड द करंट, मतलब वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, पीछे, मतलब क्या करना, पाई बाय टू क्या करना पड़ेगा, पीछे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं उसका फेजर डायग्राम या फिर सर्किट डायग्राम निकालता हूं, ठीक है, सर्किट डायग्राम जैसे साइनोसॉइडल का ये डायग्राम निकालूंगा, ठीक है, तो ये था यहाँ पे पाई बाय टू। ओके, उसके बाद ये क्या था, पाई, और यहाँ पे थ्री पाई बाय टू। ओके, सो ये किसके लिए था, ये जो कर्व ड्रॉ किया ये किसके लिए था, साइन, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए था। ओके, ये किसके लिए था, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए था। अगर मुझे ये करंट का, देखो यहाँ पे फर्दर अपन इसको सॉल्व किया था, ओके, और प्योरली इंडक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, तुमको स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा। ओके, मतलब पाई बाय टू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे स्टार्ट यहां से करोगे तो जीरो से ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये यहां से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आधा चक्कर काटेगा, आधा चक्कर काटने के बाद फिर ऐसे जाएगा। ओके, फिर फर्दर इस टाइप का वो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू के लिए। ओके, मतलब स्टार्ट कहां से कर रहे हैं अपन, पाई बाय टू के जो पीछे वाला। ओके, मतलब माइनस पाई बाय टू करना पड़ेगा, जो भी साइन है कितना है, साइन ओमेगा टी का ये वाला हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला। तो मतलब इसके लिए इसको क्या बोला है, लैग बिहाइंड द ईएमएफ। ओके, लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाय टू। तो ये था उसका डायग्राम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे उसका अगर फेजर डायग्राम निकालना है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सिंपल ऐसे लेंगे। ओके, उसके बाद एक क्या लेते हैं अपन, जैसे ये ई नॉट के लिए निकाला है मैंने, तो ई नॉट के लिए तो बस यही हो जाएगा ई नॉट वाला। ठीक है, ई नॉट के लिए यही बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपन एंगल बना लेते हैं ओमेगा टी, उस पर इस तरह से रोटेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट बन जाता है, ये हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, और इधर कौन सा बन जाएगा, इधर कौन सा बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस पाई बाय टू लिखा है। ठीक है, माइनस पाई बाय टू, तो यहाँ पे पीछे की तरफ क्या करना पड़ेगा, तुमको एक एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल में यहां से बनाना पड़ेगा 90 का। ठीक है, एंगल एक 90 का यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो ये बनेगा किसके लिए, करंट के लिए। ओके,
ये बनेगा आई नॉट के लिए, मतलब अगर कंपेयर करेंगे क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओके सो अगर कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा आई नॉट का, ठीक है। सिमिलरली इसका भी अगर तुम ये हो जाएगा, ओके इस टाइप का वो रिजोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस टाइप का इसको रिजोल्व कर सकते। तो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओके सो माइनस, तो यहां पे जब भी माइनस पाई बाय टू आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट का, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है पूछेगा कि मतलब डायरेक्टली क्या बोलेगा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट को प्रूव करो, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि जो लैग बिहाइंड है पाई बाय टू वाला, ठीक है, वो उसको ऐसे प्रूव करने को बोल देगा, ठीक है। तो दूसरा एक पार्ट आता है इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है वो देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे इसका हेडिंग लिखूंगा मैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। उसको डिनोट करेंगे अपन एक्स एल से, ओके एक्स एल से उसको डिनोट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस को, ठीक है। सो इट इज द अपोजिंग, जो भी अपोजिंग नेचर वाला है, ओके अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट, ओके टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट, क्या आप बोलेंगे इसको, द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है बट दूसरा भी एक क्या कर रहा है उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो उसका ईएमएफ उसके अपोजिट साइड में चला जाएगा, ओके इसको ही बोलेगा अपन इंडक्टिव रिएक्टर, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टर का क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, एक्सएल इक्वल टू आर जो भी आई आई करंट क्या है आर एम एस डिवाइडेड बाय उसका जो ये है क्या बोलते हैं इसको वोल्टेज, तो इसको बोलेंगे आरएमएस, ठीक है। तो आई आरएमएस डिवाइडेड बाय ई आरएमएस, ओके उसका अगर तुम रेसिप्रोकल कैलकुलेट करोगे, ओके रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या बनेगा ई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई आरएमएस, ओके तो यही होता है इसका रेशियो, ठीक है। तो एक्सएल का रेशियो क्या होता है ई आरएमएस डिवाइडेड बाय आई आरएमएस, ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पे ई आरएमएस मतलब कितना लिखा था अपन ने, ई नॉट, ओके, और करंट का क्या लिखा था आई नॉट, ठीक है। सो ये होता है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके इंडक्टिव रिएक्टेंस इसलिए बोला कि रिएक्टेंस मतलब क्या होता है कि अपोज करने वाला, ओके जो भी अपोज करने वाला, जैसे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस को क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि वो रेजिस्ट करता है करंट की डायरेक्शन को फ्लो को, ओके। बट यहाँ पे इंडक्टर की वजह से क्या हो रहा है ये अपोज कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। सो पीक वैल्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पीक वैल्यू का वैल्यू ई नॉट इक्वल टू आई ओमेगा एल इतना था, ओके आई ओमेगा एल इतना था, ठीक है, आई नॉट था सॉरी। सो यहाँ पे ई नॉट आई नॉट ओमेगा एल इतना था, किसका इसका वैल्यू उसका पीक वैल्यू, ओके पीक वैल्यू का वैल्यू इतना था, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट बाय आई नॉट कर सकते हैं अपन, ई नॉट बाय आई नॉट इक्वल टू क्या ओमेगा एल, ओके और ये क्या है यहाँ पे एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, तो ये होता है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसका जो भी इंडक्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं ना पर उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बन जाएगा ये वाला, ओके। सो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं ट्वाइस पाई एफ इंटू एल, एफ क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना पर कैसा है टू ओमेगा बाय टू पाई ऐसे भी लिखा था, ठीक है। सो ओमेगा की जगह मैंने इतना पुट कर दिया तो ये बन जाएगा उसका ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद उसका अगर ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट होता है इसका ओहो, ठीक है, इसका होता है यूनिट ओहम, ठीक है। अगर डीसी सर्किट में कंसीडर करता हूं, ठीक है, डीसी सर्किट में जो ये एक्सएल होता है वो होता है प्योरली जीरो, ओके टोटली जीरो होता है डीसी सर्किट में, ओके। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इट पासेस डीसी एंड ब्लॉक्स एसी एट हाई फ्रीक्वेंसी, ओके मतलब इट इम्प्लाइज दैट अ प्योर इंडक्टर ऑफ और जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी, ठीक है। तो जहां पे भी अगर तुमने डीसी वाला कंसेप्ट लिया तो वहां पे हो जाएगा जीरो एक्सएल की वैल्यू, ठीक है। तो ये था प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट देखेंगे अपन कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, कैपेसिटिव मतलब जहां पे ये इंडक्टर की जगह क्या लिखेंगे अपन कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। तो ये था प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन यहाँ पे एसी थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ओके यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। सो कैपेसिटिव सर्किट बोला है तो यहाँ पे तुमको कंसिडर क्या करना पड़ेगा कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे एसी है और इधर कैपेसिटर, सपोज मान लेते अगर मैंने डीसी वाला लिया, ठीक है, डीसी वाला सोर्स लिया यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। तो इस टाइप का एक डायग्राम बन जाएगा कैपेसिटिव सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया डीसी के लिए और ये हो गया एसी के लिए, ठीक है। सो एसी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसका चार्ज कैलकुलेट करना है,
ठीक है। और चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पे, अगर उसका वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ओके, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टेज, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, V इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाय सी, ओके। तो ये होता है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर, ओके, और ये क्यू क्या होता है, चार्ज, ठीक है। सो ये होता है, उसके बाद अगर क्यू क्यू एल निकालना है तो क्या बनेगा, सी मल्टीप्लाइड बाई वी। ये किसके लिए बना था, डीसी के लिए, जब यहाँ पे वोल्टेज वी रहेगा, ओके, ये डीसी के लिए। यहाँ पे अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। सो ये होता ई, ओके, साइनोसॉइडल वाला एसी वाला लिया था, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, सेम इक्वेशन, क्यू इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाय ई, ओके, ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये बनेगा इसके लिए एसी के लिए और ये बनेगा डीसी के लिए, ओके। फिर अपन क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ करंट, ओके। करंट का डेफिनेशन क्या होता है, जो चार्ज, ओके, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। सो अगर चार्ज मतलब अगर तुमको चेंज कर देना है, ओके, जैसे मान लेते हैं कि मतलब कितने भी चार्ज हो सकते हैं, ओके, तो करंट का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये क्यू की मैं वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो क्यू की वैल्यू देखो यहाँ पे सी मल्टीप्लाइड बाई ई, ओके, डी ऑफ डी टी, ओके। फिर ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। सो डी, सॉरी, तो यहाँ पे सी, ओके, यहाँ पे सी है तो डी सी, ओके, सी को कॉन्स्टेंट है तो मैं बाहर निकलता हूँ, ई, ई की वैल्यू क्या दिया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, डी टी, ओके। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो सी ई नॉट, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, ओके, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, ओके, मल्टीप्लीकेशन क्या में ओमेगा रहेगा, तो यहाँ पे सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओके, इतना इक्वेशन बन जाएगा करंट का यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। सो देखो ये जो टर्म है इसको मैं पीक वैल्यू ले सकता हूँ, ओके, पीक वैल्यू किसकी, ये जो कैपेसिटिव सर्किट पड़ रहा है इसका पीक वैल्यू ले सकता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेंगे मैं आई नॉट, ओके, इसको लेंगे मैं आई नॉट, उसका जो पीक वैल्यू है वो, सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, आई नॉट इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओके, ये। उसके बाद कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस जो साइन क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो इस टाइप से लिख सकता हूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना, पाई बाय टू, ओके। पिछले केस में क्या लिया था, माइनस पाई बाय टू लिया था, अभी यहाँ पे कितना लिया था, प्लस पाई बाय टू, ठीक है। सो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, तो ये इक्वेशन बनेगा करंट का, ठीक है, करंट का। तो यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे तुमको फेज डिफरेंस देखो, यहाँ पे एड कर ले, ओके, तो यहाँ पे भी वैसे बोल सकते हो, जो लीड्स, लीड्स द ईएमएफ, ओके, लीड्स द ईएमएफ, पहले क्या लगता था यहाँ पे, माइनस आता था, तो वहां पे क्या लिखा था, बिहाइंड द फेज, ओके, यहाँ पे लीड्स टू द फेज दिख रहा है, तो पाई बाय टू ये हो जाएगा प्लस, ओके। सो इसका अगर तुमको फेज डायग्राम कैलकुलेट करना है, ठीक है, सो फेज डायग्राम अगर निकालते हैं पर इसका, ठीक है, इस टाइप से निकल जाएगा पूरा सर्किट, जो ये एसी सर्किट वाला डायग्राम है उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्योरली एसी सर्किट के लिए, मतलब ये वाला हो जाएगा इसके लिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो पाई बाय टू यहाँ पे रहेगा, ओके, यहाँ पे पाई रहेगा, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू रहेगा, और यहाँ पे सिंपल कितना, टू पाई रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा। उसके बाद देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है अभी, क्योंकि अभी क्या है, पाई बाय टू बढ़ गया है ना, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से ऐसे, ओके, इस टाइप से वो तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए बना है, आई नॉट, ये जो साइन पाई ओमेगा टी पाई बाय टू है ना, इसके लिए है, ओके। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये किसके लिए है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू के लिए है, ओके। और जो दूसरा इक्वेशन है वो किसके लिए है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए, ओके। तो ये बन जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए, ओके। उसके बाद उसका फेजर डायग्राम निकालना है, फेजर डायग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से यही कंसिडर करेंगे। तो ये था ई के लिए, ओके, ई नॉट ये वाला, ओके। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखो फाइव बाय टू, मतलब प्लस फाइव बाय टू लिखा है ना, तो यहां से तुमको एड करना पड़ेगा फाइव बाय टू, ओके, इस टाइप से उसको एड करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर ग्राफ निकालना होगा तो ये बनेगा किसके लिए, ये किसके लिए बनेगा, आई नॉट के लिए, ओके, ये बनेगा आई नॉट के लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम एक लिंक पे क्लिक कर लेना, वहां से तुमको इसका प्रॉपर डायग्राम मिल जाएगा। मैंने बस शॉर्टकट में लिखा है इसको, कि मतलब फेज डिफरेंस, ओके, या फिर पाथ डिफरेंस बोल सकते हो, तो पाई बाय टू एड करना पड़ेगा। जैसे ये वाला पहला था आई नॉट के लिए, तो पाई बाय टू एड करोगे तो बस यहाँ पे 90 का एंगल क्रिएट करेंगे, और 90 का एंगल क्रिएट करने के बाद वो तुम्हारा
रिजल्टेंट वेक्टर वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके तो यही था एसी थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ओके तो यहाँ पे भी सेम वैसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन में पूछने के बाद क्या हो जाएगा कि लीड्स बिहाइंड द लीड्स, ओके लीड्स ईएमएफ, लीड्स द ईएमएफ बोलेगा, ठीक है। और जो पहले वाला केस था वहां पे क्या था, बिहाइंड द लेग, ओके बिहाइंड द लेग वो वहां पे बोलेगा, ठीक है। सो डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये याद होना चाहिए इस तरह से। ओके उसके बाद अपन इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ओके कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब होता क्या है, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ओके द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही अपोजिंग वाला नेचर फ्लो करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहां से जितना करंट दोगे, ओके या फिर उतना वोल्टेज दोगे, उतना मतलब उसके अपोज करेगा ये वाला कैपेसिटिव में, ओके okay? और कैपेसिटिव में जैसे अपोज करेगा उसको बोलेंगे अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके उसको डिनोट करेंगे अपन एक्स सी से, ओके इसको डिनोट करेंगे एक्स सी से, ठीक है। सो वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय आई नॉट आर एम एस, ओके ये बनेगा ई आर एम एस एंड आई आर एम एस, तो ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट बनेगा, ठीक है, ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट। उसके बाद उसका पीक वैल्यू का पीक वैल्यू लिखा था, पीक वैल्यू क्या था, आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी ई इतना लिखा था, ओमेगा सी ई इतना लिखा था, ये किसका था सर, ये यहाँ पे कितना ई नॉट था, ओमेगा सी ई नॉट था, ओके okay, उसके बाद आई नॉट डिवाइडेड बाय क्या कर सकते अपन, ई नॉट लिख सकते, ओके आई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट, ओके सो आई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट ये क्या बनेगा, ओमेगा सी, ओके बट यहाँ पे देखो ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट इक्वल टू वन बाय ओमेगा सी, और ये क्या है यहाँ पे एक्स सी, तो यहाँ पे बनेगा वन बाय ओमेगा सी, ओके तो ये किसका था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके सिमिलरली भाई ओमेगा की जगह तुम क्या लिख सकते हो, जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा डिवाइडेड बाय टू पाई था, ठीक है। सो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, सो वन डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई एफ ओनली सी, तो ये बनेगा एक्स सी, इसका रिएक्टर मतलब कैपेसिटिव रिएक्टर यहाँ पे आएगा वो, ओके। तो अगर डीसी के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है, डीसी के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर क्या लिखेंगे, वहां पे जीरो पुट कर देंगे, ओके और वन डिवाइडेड बाय जीरो करोगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो यहाँ पे फॉर डीसी लिख सकते हो, वो चला जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर, ओके ये डीसी के लिए बन जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे भी भाई जो ब्लॉक करेगा कंपोनेंट वगैरह, तो ये था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ओके प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो इसमें अपन ने क्या देखा था, पहले डायग्राम देखा था, ओके डायग्राम देखने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन कैलकुलेट किया था, उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट किया था, ठीक है। उसके बाद उसके डिफरेंस है, मतलब तीनों का डिफरेंस का अगर तुम देखोगे, जैसे रिएक्टेंट, ओके रिएक्ट का ये रेजिस्टेंस, ओके उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके तो तीनों का अगर कंपेयर करने जाओगे तो वहां पे देख सकते हो कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है यहाँ पे वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ओके एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ओके और एक्स एल कैलकुलेट किया था वो किसके प्रोपोर्शनल था, फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रोपोर्शनल था, ओके तो इसी तरह से मतलब दो तीन डिफरेंसेस है, तो वो नोट्स में दिखा है, तो नोट्स में तुम अच्छे से उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद वो लैग बिहाइंड वाला भी कंसेप्ट ले आता है यहाँ पे, ओके तो ये था यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट, ओके बस यहाँ पे एक सर्किट बाकी है, अपन यहाँ पे क्या डिफरेंट मतलब सिंगल सिंगल लिखा था, ओके सिंगल मतलब यहाँ पे कैपेसिटिव लिखा था, उसके बाद इंडक्टर लिया था, उसके बाद रेजिस्टेंस लिया था, तो तीनों है यहाँ पे। उसके बाद अपन एक सर्किट डायग्राम देखेंगे, उसमें क्या तीनों के तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ उसमें, ओके तो उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे है लास्ट टॉपिक, ओके मतलब फर्स्ट पार्ट का, ओके फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है यहाँ पे कौन सा, एसी थ्रू एलसीआर सर्किट, ओके एलसीआर देखो यहाँ पे आरसीएल भी बोल सकते हो, कौन सा आर एल सी, ओके आर एल सी सर्किट बोल सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो किताब है उसमें भी एलसीआर दिया है, अपन ये रखते हैं, ओके उसके बाद देखो यहाँ पे रिएक्टेंस है, ओके रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ओके उसके बाद सेकंड में क्या दिया है, इंडक्टर लगाया, तो ये हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके उसके बाद ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके तो इसमें क्या किया था अपन ने, वो डायग्राम भी निकाला था, फेजर डायग्राम, ठीक है फेजर डायग्राम भी निकाला था, तो फेजर डायग्राम निकालने के बाद
ओके, जैसे यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे जो था वही रिएक्टर, ये वोल्टेज का भी डायरेक्शन वही था। ओके, तो करंट का डायरेक्शन ये था, वही रिएक्टर वोल्टेज का डायरेक्शन वही था। ओके, उसके बाद इंडक्टर नहीं है। ओके, इंडक्टर का अगर देखोगे तो इंडक्टर में क्या होता कि फेज डिफरेंस चेंज हुआ था। ओके, फेज डिफरेंस चेंज हुआ था, फेज मतलब पाई बाई टू का लैग बिहाइंड दिखा था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस टाइप का डायग्राम मिला था तुमको। सो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये और यहाँ पे मिला था तुमको ई का डायरेक्शन। ओके, ई का डायरेक्शन मिला था यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या है कैपेसिटर। ओके, और कैपेसिटर में क्या होता कि जो डायरेक्शन था, ओके, ये ई एल था, ये वाला ई एल था। ओके, और कैपेसिटर में क्या होता कि करंट का डायरेक्शन तो ये था और ये निगेटिव में चला गया था। ओके, तो यहाँ पे ई सी का डायरेक्शन ये वाला था। ठीक है, सो तीनों के दोनों डायग्राम यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ओके, अभी क्या करता हूँ मैं तीनों डायग्राम को कंबाइन कर लेता हूँ। ओके, तीनों डायग्राम को यहाँ पे कंबाइन कर लेता हूँ, वन टू थ्री को। ठीक है, सो जो मेरा फेजर डायग्राम है वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा निकाला है इसको। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ओके, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है करंट का डायरेक्शन। ओके, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही डायरेक्शन था। ओके, आई नॉट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, उसके बाद इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कौन सा था, इस डायरेक्शन में यही था ना कैपेसिटी वाला। ओके, इस डायरेक्शन में कौन सा था, ऊपर की डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में ई एल था। ओके, सो यहाँ पे बनेगा ये ई एल। ओके, और नीचे में क्या था ई सी। ओके, नीचे में क्या था ई सी, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है ई सी का। ओके, मतलब ये ई सी हो गया। ठीक है, तो ई एल ई सी आर ये क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, उसके बाद देखो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई का, ठीक है, करंट का वैल्यू क्या, मतलब करंट का इक्वेशन क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, इसको याद ही रखना है तुमको। ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये था इसका इक्वेशन। ठीक है, करंट का इक्वेशन यहां से जो भी करंट फ्लो हो जाएगा वो ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर तुमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ओके, वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट जो है ना, ओके, करंट और वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे ई आर, ओके, रेजिस्टेंस का अगर मुझे निकालना है, ठीक है, सो ई आर इक्वल टू क्या था, आई आर, ये फार्मूला होता है जनरल। ठीक है, वोल्टेज का। ठीक है, तो यहाँ पे ई आर मतलब क्या, यहाँ पे एसी, एसी वाला लिया है इसलिए अपन यहाँ पे ई आर लिखा। ओके, उसके बाद सेकंड कितना ई एल। ओके, ई एल के लिए क्या था, आई एक्स एल, ये होता, ये बन जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या, ई सी इक्वल टू आई एक्स सी। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो अपन डीसी में, डीसी में क्या करते थे, यहाँ पे वोल्टेज लिखते थे। ओके, और एसी में बस यहाँ पे ई ए सी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक साइनोसॉइडल वेव है इसलिए अपन यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद अपन ने फेजर डायग्राम का डायग्राम निकाला। ओके, और फेजर डायग्राम को तुम कंपेयर करोगे। ओके, फेजर डायग्राम को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे था पहले क्या था, ई नॉट वाला था कर्व। ओके, ये था ई नॉट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी ई नॉट ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला डिस्टेंस है ई सी। ओके, उसके बाद यहाँ पे होता है ई एल। ओके, ये ई एल और ये ई सी। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अगर मान लीजिए मैंने फेज डिफरेंस दिया फाइव। ठीक है, सो ये बनेगा ई एल माइनस ई सी। ओके, ई एल माइनस ई सी इतना हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा फेजर डायग्राम, उसका फेजर डायग्राम। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, ओके, ये तो रिएक्टेंट का हो जाएगा, ये ई आर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ई आर का डिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मुझे फाइव की वैल्यू निकालना है, ओके, फाइव। ठीक है, सो फाइव की वैल्यू अगर निकालना है, मतलब फेज, फेज की वैल्यू निकालना, तो क्या होता है, फाइव का फार्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो वहां पे मुझे फाइव की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, वहां पे मेरी फाइव की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो एक एंगल कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें क्रिएट हो रहा है, जिसलिए अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, और फिर इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और ये इम्पीडेंस, एक इम्पीडेंस नाम का वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इम्पीडेंस नाम का वर्ड आएगा तो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया कहाँ पे, ओ के, ओके, ओ के ए, ये साइन अगर मैंने अप्लाई किया था, कंसिडर करूंगा ओ के ये एंगल उधर कंसिडर किया मैंने। ठीक है, तो ट्राइंगल ओ ए के ऊपर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ओ ए के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। ठीक है, सो पाइथागोरस का फार्मूला क्या बनेगा, ओके का स्क्वायर। ओके, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वल टू जो भी रिमेनिंग साइड्स है। ओके, रिमेनिंग साइड कौन से है,
OA का स्क्वायर करना पड़ेगा ओके प्लस प्लस का करना पड़ेगा OB का स्क्वायर करना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे OB का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है इतना आ जाएगा सर क्या आ जाएगा उसका एक पॉइंट ई वाला भी कंसिडर करना पड़ेगा बी वाला ओके ये बी वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का फॉर्मूला बना लिया और इसको सोल्व करेगा ठीक है। सो देखो इसको सोल्व करेंगे ओके ओके का वैल्यू कितना दिया है ई नॉट का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ई आर देखो यहाँ पे ओए ओए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ओ ए ओए की वैल्यू है ई आर ओके यहाँ पे बनेगा ई आर का स्क्वायर ओके प्लस ओबी ओबी की वैल्यू देखो यहाँ पे ई एल माइनस ई सी है इतना डिस्टेंस ई एल माइनस ई सी है तो ये भी डिस्टेंस क्या बनेगा ई एल माइनस ई सी बनेगा ओके। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर ठीक है। सो यहाँ पे अगर मुझे ई नॉट की वैल्यू निकालनी है ओके ई नॉट की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा ई नॉट इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा ओके। उसके बाद पहले ई आर की वैल्यू लिखा था ई आर के लिए क्या लिखा था आई इंटू आर का स्क्वायर लिखा था ओके प्लस यहाँ पे इनिशियल करंट है तो आई नॉट ही लिखेंगे ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ई एल के लिए क्या लिखा था आई नॉट एक्स एल ओके उसका स्क्वायर करेंगे माइनस क्या था ई सी का क्या था आई नॉट एक्स सी ओके उसका स्क्वायर किया था ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आई नॉट है ना आई नॉट को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ मतलब स्क्वायर में तो ये बनेगा आई नॉट बाहर आ जाएगा ओके बाकी तब एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर ऐसे रहेगा ओके। जो इक्वेशन आएगा ई नॉट ये वाला देगा उसके बाद ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट ओके। जनरली इसको क्या किया जाता है अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको ऐसे डिनोट किया था ठीक है। बट यहाँ पे तीनों टर्म आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे अपन इम्पीडेंस ठीक है। एक नया नाम देगी इसको इम्पीडेंस। तो जेड की वैल्यू क्या बनेगी अंडर रूट आर स्क्वायर ओके आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर बन जाएगा ठीक है। सो ये था इसका दोनों का स्क्वायर है सॉरी तो कंबाइन में स्क्वायर है तो यहाँ पे कंबाइन में स्क्वायर रहेगा ठीक है। यहाँ पे भी कंबाइन में स्क्वायर रहेगा ऐसे ओके। सो यहाँ पे क्या बन रहा है आर स्क्वायर एक्सएल का एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर ठीक है। सो ये बनेगा उसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला ठीक है। सो इम्पीडेंस यहां से ऐसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है। सो दिस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ओके। ये इसका यहाँ पे रिएक्टेंस ओके जो भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना इफेक्टिव रेजिस्टेंस तीनों का ठीक है। सो सबसे पहले जब पढ़ा था ये क्या पढ़ा था अपने इसमें ओके इसमें पढ़ा था क्या कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इसमें पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस ओके और यहाँ पे सिंपल रेजिस्टेंस ओके। तो ये तीनों का तुम कंबाइन करोगे तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओके और इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे यहाँ पे इम्पीडेंस ओके। तो इम्पीडेंस इम्पीडेंस का अगर तुम रेसिप्रोकल करने जाओगे तो उसको बोलेंगे एडमिटेंस ओके। इसको अगर तुम रेसिप्रोकल करोगे तो वन बाय जेड होता है एडमिटेंस ओके एडमिटेंस बोलते हैं इसको ठीक है। अगर एडमिटेंस कैलकुलेट करने का बोलेगा तो उसको वन बाय ये करना पड़ेगा ठीक है। तो एडमिशन का यूनिट है सीमेंस ओके और जो इम्पीडेंस है इसका यूनिट होता है ओम ओके ये होता है ठीक है। उसके बाद अगर तुमको फेज निकालना है ये फाई की वैल्यू ठीक है। सो फेज फाई की वैल्यू क्या बन सकता है यहाँ पे फाई इक्वल टू सॉरी टैन फाई ठीक है। टैन फाई कैलकुलेट करेंगे टैन फाई मतलब हो जाएगा क्या यहाँ पे ये अपोजिट साइड पर ये वाला साइड ठीक है। सो ई एल माइनस ई सी डिवाइडेड बाय ई आर ओके। उसके बाद यहाँ पे ई एल क्या था यहाँ पे ओके ई एल क्या था आई नॉट एक्स एल ओके माइनस यहाँ पे आई नॉट ई सी सॉरी क्या एक्स सी डिवाइडेड बाय यहाँ पे आई नॉट आर ओके। तो यहाँ पे आई नॉट अगर कैंसिल नहीं करेंगे मतलब कॉमन निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा बचेगा यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर ओके इतना बनेगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन फाइव की वैल्यू मतलब टैन इनवर्स इतना हो जाएगा ओके। तो ये यहाँ पे फेज है ओके ये क्या है यहाँ पे फेज दिया है। तो फेज निकालने के बाद क्या करेंगे अपन केस अप्लाई कर सकते हैं ओके। केस मतलब कहाँ पे कंडक्टिव हो जाएगा कहाँ पे नॉन कंडक्टिव हो जाएगा और कहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। सो मान लेते हैं अगर एक्सएल इक्वल टू एक्स सी ओके एक्सएल इक्वल टू एक्स सी है तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा जीरो टर्म ओके और जीरो डिवाइडेड बाय एनी टर्म मतलब जीरो हो जाएगा। और टैन जीरो कहाँ पे होता है टैन जीरो कहाँ पे होता है जीरो पर ही होता है। तो जहां पे भी फाइव फाइव की वैल्यू अगर जीरो आती है ओके यहाँ पे क्या किया था मैंने एक्सएल इक्वल टू एक्स सी लिखा था तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू मिल तो क्या मिल रही है जीरो मिल रही है। तो ये होता है नॉन कंडक्टिव वाला केस ओके ये होता है
नॉन कंडक्टिव वाला केस, या फिर क्या बोल सकते हो उसको इन फेज, ओके इन फेज बोल सकते हो, ओके। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बन सकता है यहाँ पे, जो एक्सएल है, ओके एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, ओके एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, हमेशा पॉजिटिव बनेगी, ओके हमेशा पॉजिटिव बनेगी, तो उसको बोलेंगे अपन इंडक्टिव, ओके जैसे अपन ने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, ओके तो वहां पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस में पॉजिटिव की वैल्यू आ रही थी, मतलब जो फेज है, ओके फेज क्या था, लीड्स बिहाइंड, ओके लीड्स बिहाइंड, लीड्स आ रहा था, लीड्स ईएमएफ, ओके लीड्स ईएमएफ आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये इसको पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। अगर क्या किया मैंने, एक्सएल लेस देन एक्ससी किया, ओके तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या बनेगी, निगेटिव बनेगी, ओके और जहां पे भी निगेटिव बनेगी इसका वैल्यू, तो ये बनेगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ओके या फिर इसको कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, ठीक है। सो ये आउट ऑफ फेज रहेगा, ठीक है, निगेटिव आया तो ये आउट ऑफ फेज ही रहेगा, ठीक है। सो ये लीड्स बिहाइंड द करंट, लीड्स बिहाइंड द वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे, करंट लीड्स बिहाइंड द वोल्टेज इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल देखेंगे अपन आरसी सर्किट, ओके आरसी ऑसिलेटर बोलते हैं उसको, आरसी ऑसिलेटर। तो इसके कुछ नोट्स वगैरह हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करने के बाद तुमको डायरेक्ट वो आपके उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसको उतना अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, और ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।